आज हम जानेंगे 16 और 17 फरवरी का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच अब सर्दी का सितम भी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे कि लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में मंद पछुआ हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि इन हवाओं के प्रभाव के कारण ही अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। दिन में चुभन भाली गर्मी रहेगी। लोगों को अब दिन में गर्मी से हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों को देखें तो 17 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आइए अब जान लेते हैं 16 और 17 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 16 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। 17 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों को देख लें तो इन जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 16 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं इन्हीं जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 17 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो इन्हीं जिलों में जो है अधिकतम तापमान होगा 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 12 से 14 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 16 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है वह 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 16 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई। वहीं 17 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो 22 से 24 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगी इन जिलों में। वहीं इन जिलों के न्यूनतम तापमान को देख लें तो 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 16 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई। वहीं अगर हम 17 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो वह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों की अगर हम बात कर लें तो इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 16 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों के न्यूनतम तापमान जो है वह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम मौसम के अपडेट को देखें पिछले दो दिनों को तो इसमें न्यूनतम तापमान में जो है वह बढ़ोतरी देखी गई है। यही वह कारण है कि दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये थे बिहार के मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।